हेलो फ्रेंड्स, गेटवे टू इंग्लिश चैनल पे तुहाडा सारेयां दा एक बार फिर निघा स्वागत करदा हां। मैं हरजिंदर कुमार अते तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना चैनल। अज आपां एक नवी सीरीज शुरू करन जा रहे हां सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स दी। ठीक है, पहला आपां सिनोनिम्स कवर करांगे। तकरीबन आपां 300 वर्ड्स जो है कवर करांगे, चार पांच वीडियोस दे विच ही। कोशिश करांगे वी जल्दी तो जल्दी ये कवर हो जाणगे। फ्रेंड्स, ये हरेक एग्जाम दे विच आउंदे ही आउंदे ने। एंटोनिम्स ते सिनोनिम्स जो है हमेशा पूछे ही जांदे ने, चाहे कोई जो छोटा एग्जाम है चाहे कोई वड्डा एग्जाम है। ठीक है, हुण प्रिंसिपल्स दीआं पोस्टां निकलियां होईआं ने, उहनां दे विच वी इंग्लिश दा क्वेश्चन हैगा है। ते एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है उहनां लई वी इंपोर्टेंट ने, हरेक एग्जाम लई इंपोर्टेंट ने। सो प्लीज़ वीडियो नूं स्किप नहीं करना, ध्यान नाल सुनना, लाइक करना, शेयर करना। तो जो साथी नवे जुड़े ने प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। ठीक है, आओ आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला अपने को वर्ड है, देखो, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग होता है जी डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है, जिसन देख के अपन मन जिम्मे आप कच्चा मन लग गया ना, उस सेंस के आप यूज करते हैं। कोई चीज़ देख के जो बड़ी गंदा जो कोई माहौल है, आप कहते छी छी छी। ठीक है, दैट इज डिसगस्टिंग। इसनों आप इसलिए जो वर्ड है ऑबनॉक्सियस भी है, ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस। ठीक है, ये समझ लो भी जेकर आप पंजाबी गल करिए, याद करने की कोशिश करें, नक च दम हो गया बस देख के जमा नॉक्स, नक नक नॉक्स। ठीक है, इस तरह तुसी थोड़ा जिहा इसनों याद रख सकते हो। ऑबनॉक्सियस मतलब डिसगस्टिंग। ठीक है जी, नंबर टू वर्ड देखो जी, कोवनेंट। कोवनेंट, कोवनेंट का मीनिंग होता जी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बोंड। ठीक है, आप भरते हैं बोंड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठेका ठेके की जगह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भरती है जी, है कॉन्ट्रैक्ट, आप सारे जानते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट लई जो वर्ड कोवनेंट वर्ड भी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, यह एग्जाम के विच आ जाता है कई बार। ठीक है जी, नैक्सट वर्ड देखो, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस, ध्यान ना देख लो, डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है, डेफरेंस। ठीक है, एक वर्ड होंगे डिफरेंस, आप पढ़ते हैं सारे पता है डी आई एफ एफ, उस स्पेलिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, पर इसकी शुरुआत किमें डी ई एफ नाल है, तो एफ भी सिंगल है। ठीक है, डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होंगे है बेटा रिस्पैक्ट। डेफरेंस मतलब रिस्पैक्ट करना, इज्जत करना, आदर सत्कार करना। ठीक है, याद रखो, तो नाम बिल्कुल नवा वर्ड है, दिमाग च रखियो डेफरेंस। ठीक है, इसनों तुसी यूज करिया करो। देखो, वकैब नू लर्न करने का तरीका यही होंगे, जो वर्ड आपने पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, देख लिया, कितों समझ लिया, उसनों समझने तो बाद उसनों जो है यूज करने की कोशिश करनी चाहिए है। बद तो बद उसनों यूज किया जाए डेली लाइफ के, ताही जे ये अपनी मैमरी के जो है ये पक्का हो जाते हैं, फिर एक्टिव मैमरी आ जाते हैं। ठीक है, तो दूजी गल, क्योंकि रिविजन होंगी रहती, जो आप बार बार यूज करते हैं रिवाइज होंगे ने, ता ही अपने दिमाग के बैठ जाते हैं। ठीक है जी, सो प्लीज रिविजन जरूर करते जाना। सो डेफरेंस मतलब रिस्पैक्ट। नैक्सट वर्ड अपने को देखो एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब रिपील या एबोलिश, यानी कि कोई कानून है, कोई नियम है, कायदा है, बनया हुआ है, उसनों खत्म कर देना। ठीक है, उसनों कहते हैं पर रिपील या एबोलिश वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, नैक्सट देखो इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, ठीक है, इंट्रेपिड का मतलब होंगे जी फियरलेस, निडर। ठीक है, इंट्रेपिड, याद रखो इन रैपिड, इसमें रैपिड ही बोलेंगे, रैपिड, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब फियरलेस, डर तों बिना, निडर। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड अपने को देखा ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मीनिंग होता है मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब की है शानदार। ठीक है, शान शौकत, महानता। ठीक है, इंपोर्टेंस दी सेंस दे विच बड़ी बड़े बड़ा मतलब शान शान है, शान शौकत हैगी है। ठीक है, ग्रैंडियर है, तो ग्रैंडियर लई जो वर्ड है मैग्निफिसेंस, इसका सिमिलर वर्ड है। ठीक है, सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, सिनोनिम्स। इसनों कई बच्चे जो सिनोनियम भी बोल देते, सिनोनियम, एंटोनियम, सिनोनियम। ठीक है, आप बोल देते हैं, पर जो उच्चारण है जे सही उच्चारण की गल करिए सिनोनिम है, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो जी अपने को है इनसेप्शन। इनसेप्शन का मतलब है बिगनिंग, शुरुआत करना। ठीक है, बिगनिंग, इनसेप्शन, याद रखो इनसेप्शन, बिगनिंग, शुरुआत। नेक्स्ट वर्ड है जी कलोसल। कलोसल, कलोसल का मतलब है इनॉर्मस, तो इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, उसको इनॉर्मस कहते हैं। ठीक है, तो इनॉर्मस लिए सिमिलर कीवर्ड है कलोसल। कलोसल,
enormous. Next देखो paradox ए word जो है सुनिया हुआ हो सकता है, पर सारे सुन रहे हैं word, कोई ज्यादा typical word नहीं है. paradox का मतलब puzzle है, या आप कह लीजिए controversial है, कुछ paradoxical. आप कह रहे हैं ये गलत है, paradoxical होगी. ठीक है, पहला एमए कह रहे सी उसके नाल दी नाल ही कोई इस तरह का जो है गलबात हो जाए कि उसको लागू ना होती होवे, आप कह रहे पैराडॉक्सिकल होगी. ठीक है, जे आप कह रहे ठंडी अग, मैं कह रहा हूं ठंडी अग, हूं अग तो ठंडी होती नहीं, गल की होगी ये पैराडॉक्सिकल गल होगी ये. ठीक है, उल्ट होगी. सो इसनू पैराडॉक्स लिए आप पजल वर्ड भी यूज कर सकते हाँ. ठीक है जी, तो नैक्सट देखो जी प्रोलीफरेट. प्रोलीफरेट प्रोलीफरेट का मतलब होंगे जी रीप्रोड्यूस, दोबारा पैदा करना, जा मतलब फैलना कोई चीज, स्प्रेड होना. ठीक है, उस सेंस दे विच भी ये वर्ड प्रोलीफरेट यूज किया जाता है. सो ये सिमिलर वर्ड ने दोनों प्रोलीफरेट और रीप्रोड्यूस. ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड देखो सेंसर. सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना. ठीक है, किसी की आलोचना करना, किसी बुक की हो सकती है, किसी व्यक्ति की हो सकती है. सो सेंसर का मतलब है जी टू क्रिटिसाइज, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है टू सेंसर, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, याद रखो सेंसर. सेंसर नेक्स्ट है जी डिलीजेंट. डिलीजेंट का मतलब है जी इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती. ठीक है, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग भी कह सकते आप, जो हार्ड वर्किंग होंगे ने उस वर्ड जो है इंडस्ट्रियस वर्ड भी यूज किया जाता है. हालांकि लगता है जिम्मे इंडस्ट्री तो बनया हो. ठीक है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब जो है मेहनती, मेहनती लिए एक जो नवा शब्द अपने को डिलीजेंट. डिलीजेंट हम उसको याद रखने का तरीका ही है, अपन पता है इंडस्ट्रियस अपन अपने दिमाग के विच है, पहले एक्टिव मैमरी के विच है. सो जो भी मेहनती शब्द तुसी जो है यूज करना चाहते हो तो उदो कोशिश करो डिलीजेंट बोलिया करो. डिलीजेंट ठीक है, एक दूजे नाल गलबात जो आप करते हैं तो मेहनती जो किसी को कह रहे हैं किसी स्टूडेंट को तो आप उस इंडस्ट्रियस कहने की बजाय जेकर डिलीजेंट कहेंगे तो अपनी एक्टिव मैमरी से रहेगा तो एग्जाम के विच आपां नूं भुलेगा नहीं. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू आर डिलीजेंट स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट देखो जी कंटेंपलेशन. कंटेंपलेशन का मतलब जी मेडिटेशन. मेडिटेशन आपां पता है सारे बच्चे जानते हैं चंगी तरह. ठीक है, सारे टीचर्स जानते हैं. मेडिटेशन का मतलब जी चिंतन, चिंतन ध्यान लगाना. ठीक है, चिंतन करना. ठीक है, मेडिटेशन लिए जो है वर्ड किया जी कंटेंपलेशन. कंटेंपलेशन याद रखो जी, कंटेंपलेशन मतलब मेडिटेशन. नेक्स्ट वर्ड देखो जी, ये बिल्कुल नया वर्ड है एडुलेशन. एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब जी फ्लैटरी. हम देखो फ्लैटरी का आपको पता ही है चापलूसी करना होता है. ठीक है, चापलूसी है. ठीक है, हम जो भी फ्लैटरी यू कहना है किसी को, किसी यूज कर रहे हो वर्ड भी, वो बड़ी चापलूसी करता है ना, फ्लैटरी करता है. तो फ्लैटरी करता है कहने की बजाय एडुलेशन यूज कर लिया करो, वर्ड दिमाग च रहेगा. ठीक है, एडुलेशन. नेक्स्ट है जी क्वीवर. क्वीवर, क्वीवर का मतलब जी ट्रेम्बल. वर्ब है फर्स्ट फॉर्म क्वीवर, कंपना, यानी कि कंपना, कंपन जी हिंदी कह रहे हैं आप क्वीवर. ट्रेम्बल, ठीक है, ट्रेम्बल का मतलब जो है कंपना हुंदा है. ठीक है, एक और वर्ड भी शिवर, एस एच आई वी आर, शिवर कंपना, ट्रेम्बल कंपना, क्वीवर, क्वीवर का मतलब भी कंपना. इसके उच्चारण के ना व साउंड आती है, व, क्वी, क्वीवर. ठीक है, ये भी एक फैक्ट है कि जिथे भी क्यू आ गया, जिथे भी किसी वर्ड की स्पेलिंग क्यू आ गया तो क्यू के नाल यू जो है जरूर आएगा. ठीक है, फाइंडिंग एरर दे विच स्पेलिंग दी जेकर गलती अपने लभनी हो सकता है इस तरह कोई आ जाए भी स्पेलिंग दी मिस्टेक हो क्यू तो बाद यू ना लग्या हो. ठीक है, ये ध्यान रखो भी क्यू ते यू ये पेयर है हमेशा इकट्ठे ही आउंदे ने, अलग अलग कदे भी नहीं आउंदा गया. यू तो खाली आ सकदा कल्ला, पर क्यू कदे भी जो है कल्ला नहीं आउंदा. हाँ, इंडियन नेम जदों आपां लिखदे आ उदों हो सकदा है भी क्यू नूं आपां इकल्ला लिख दईए होईए, जिवें आपां लिखदे इकबाल आई क्यू नाल लिखदे इकबाल, आई क्यू बी ए एल इकबाल. पर इंग्लिश के जो वर्ड्स ने पर्टिकुलर उन्हां दे विच क्यू तो बाद यू हमेशा आउंदा ही आउंदा है. ठीक है जी, सो क्वीवर, क्वीवर का मतलब है जी ट्रेम्बल, कंबना, याद रखियो. नेक्स्ट है जी मोमेंटस. मोमेंटस का मतलब है जी इंपोर्टेंट. ठीक है, हुण आपां हर बार कहंदे भी ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपोर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट वर्ड आप यूज करते हैं. हुण तुसीं की करना है, इंपोर्टेंट कहने की बजाय मोमेंटस कहना शुरू कर दो. मोमेंटस, मोमेंटस कहना शुरू करोगे दिमाग च रहेगा भी मोमेंटस का मतलब इंपोर्टेंट हुंदा है. ठीक है जी, हर मोमेंट याद रखो, हर मोमेंट तो याद रखो कि मोमेंटस इंपोर्टेंट है. जिमें कि हर मोमेंट अपने इंपोर्टेंट है,
हर पल अपने लिए जो है महत्वपूर्ण है। इस याद रखो भी मोमेंटस का मतलब भी की है महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी इनफेचुएशन। इनफेचुएशन का मीनिंग होता है जी पैशन। पैशन यानी कि किसी काम नूं करन दा जज्बा जनून, उस लिए वर्ड आप यूज करते हैं पैशन। ठीक है, सो इस पैशन लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं इनफेचुएशन। इनफेचुएशन, इनफेचुएशन का मतलब है पैशन। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड देखो कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब नुमाइनी। नॉमिनी आप जानते सारे, नॉमिनी हरेक स्टूडेंट नूं पता है। ठीक है, नॉमिनी की होंगे कि जो आप किसी जिसका नाम लिख देंगे भी मेरे तो बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है जो भी मेरा कारोबार है इसका नॉमिनी ए है, यानी कि मेरे तो बाद जो भी है वो इसनों मिलना है सारा कुछ, यानी कि रेसिपिएंट मनी का रेसिपिएंट हो सकता है, वेल्थ का हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीज का जो रेसिपिएंट है रिसीव करने वाला है उसनों अपन नॉमिनी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यह भी वर्ड है कंसाइनी। ये साइन जिस वर्ड है साइन, जिस लिए अपने साइन किए हुए भी हाँ यही है, ट्रिक वांगू इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, कंसाइनी यानी कि नॉमिनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो जी ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है वॉन्डरर। वॉन्डरर यानी कि अवारा, जो वैसे घूमता फिरता रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रैम्प। ये ध्यान रखो जे डब्ल्यू के बाद आप ओ कर देंगे ओ फिर वंडर बन जाता है वंडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर वंडर मतलब अजूबा। ठीक है, पर जे आप जब ओ की थान पर ए कर देंगे स्पेलिंग पिछले ए बन जाता है फिर वंडर। वंडर देखो बोलते हो वंडर बोलते हैं वंडर, हालांकि ओ है पर ओ की आवाज उस नहीं आती, सीधा बोलते हो वंडर। इस दे विच ओ है नहीं पर आवाज ओ दी है, ए ओ दी आवाज कट रहा है वंडर वंडरर वंडरर। ठीक है, अवारा ट्रैम्प भी इस तरह से सिमिलर है के वर्ड। नेक्स्ट देखो इररेवरेंस। इररेवरेंस इथों वर्ड है के रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जेकर इर नूं कट दिया पर रेवरेंस रह गया ना, रेवरेंस का मतलब होता है जी रिस्पेक्ट। ठीक है, ते इर लगा दिता के इर ए जो की है प्रीफिक्स है, जदों भी किसी वर्ड दे शुरू च आपां आई आर लगा देंदे हां तां उसका अपोजिट मीनिंग बन जाता है, एंटोनिम बन जाता है उसका। ठीक है, जिस तरह अपने को वर्ड है रेगुलर, रेगुलर का अपोजिट क्या इररेगुलर, आई आर लग जाता है। जिन्हां वर्ड्स की शुरुआत आर तो है उन्होंने अपोजिट बनाने लिए जो प्रीफिक्स है वो जो है आई आर है। ठीक है, एक अलग अलग होते हैं, जिमें पी वाले का आई एम है, पॉसीबल का इमपोसीबल बनता है, सी वाले का इन है, करैक्ट का जिमें इनकरैक्ट, कंप्लीट का इनकंप्लीट। ठीक है, कई बच्चे अनकंप्लीट कह देते हैं, अनकंप्लीट कोई शब्द नहीं होंगे इनकंप्लीट होंगे। ठीक है, सो इस तरह इररेवरेंस। इररेवरेंस का मतलब है डिसरिस्पेक्ट। डिस जो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी शब्द का अपोजिट मीनिंग बनाने लिए आप लगा देते हैं। रिस्पेक्ट आदर करना, डिसरिस्पेक्ट निरादर करना। इस तरह रेवरेंस आदर करना, इररेवरेंस हो गया आदर ना करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होंगे जी फ्रेंडली। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली गल है नहीं, याद रखियो फ्रेंडली लिए जो है एमिकेबल वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एमिकेबल फ्रेंडली। नेक्स्ट है जी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होंगे कोशिश। कोशिश यानी कि जो हमेशा चुकन्ना रहता हो, सावधान रहा हो, ठीक है, काम करने सुचेत हो हर पल, उसको आप कोशिश कहते हैं। ठीक है, कोशिश बंदा हमेशा कोशिश करता रहता है, जो कोशिश है कोशिश बंदा हमेशा काम करने की कोशिश करता रहता है, चुकन्ना रहता है, सावधान रहता है। ठीक है, सो उस लिए जो कोशिश लिए जो वर्ड है आप प्रूडेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम याद रखियो प्रूडेंट सावधान है, कोई इस तरह का व्यक्ति है थोड़े अच्छी सारे स्टूडेंट्स वैसे कोशिश होंगे ने, तुम भी कोशिश हो जिन्हें भी दर्शक देख रहे हैं। सो इन्हें आपने कोशिश रहना है कि आपको यही पता हो कोशिश में आप प्रूडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी पेंसिया। पेंसिया, पेंसिया का मतलब है क्योर ऑल, हरेक चीज का इलाज, उसने आप पेंसिया कहना, यूनिवर्सल रेमडी कह सकते हैं आप, यूनिवर्सल रेमडी की हरेक चीज का जो उसके इलाज है, रामबाण औषधि कह देंगे जिम्मे हिंदी के, उसने आप पेंसिया कहते हैं। ठीक है, हरेक बीमारी का इलाज, बीमारी का मतलब इतने डिजीज तो नहीं है, डिजीज तो हो सकता है पर इस तो बिना डिफिकल्टी तो भी है, जेकर लाइफ के कोई प्रॉब्लम है डिफिकल्टी है उसका कोई सलूशन है उस लिए भी आप पेंसिया वर्ड यूज कर लेंगे हाँ। ठीक है, क्योर ऑल, क्योर का मतलब इलाज करना होता है, ठीक करना होता है। ठीक है, हरेक चीज को ठीक करना, इलाज करना, पेंसिया याद रखो जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब है जी काइंडनेस, दयालुता। बेनेवोलेंस याद रखियो, बेनेवोलेंस मतलब काइंडनेस, बेनेवोलेंस काइंडनेस। ठीक है जी, इसलिए यूज किया जाता वर्ड है। नेक्स्ट अपने को वर्ड है विंडिकेट।
विंडिकेट का मतलब है टू जस्टिफाई, टू विंडिकेट मतलब टू जस्टिफाई, किसी भी गल नूं, किसी भी इश्यू नूं, किसी भी मुद्दे नूं जो है न्याय संगत साबित कर देना, ठीक है, कि ये सही है, उचित ठहरा देना, उचित करार देना कि हाँ बिल्कुल दिस इज करेक्ट, उसमें आप जस्टिफाई कर देता, फिर आप कह रहे हो जस्टिफाई हो गया है, ठीक है। सो जस्टिफाई नहीं, आप जो है विंडिकेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाँ विंडिकेट जस्टिफाई बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, बोथ द वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग्स, ओके, विंडिकेट जस्टिफाई। नेक्स्ट देखो ऑकल्ट, ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब क्या है, देखो सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल तो नेचुरल होता है जो इस लोक की गल है, इथों की गल है, ठीक है। लौकिक, एक होगी अलौकिक, ठीक है, इस दुनिया की गल नहीं बल्कि ऊपर की गल होगी, अलौकिक उन्हें कहते हैं सुपर नैचुरल, ठीक है, सुपर नैचुरल वर्ड है, ओकल्ट भी है जी, ओकल्ट, ओ सी सी यू एल टी, ओकल्ट याद रखियो, ओकल्ट मतलब सुपर नैचुरल, ओकल्ट मतलब सुपर नैचुरल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी अपने कोल वर्ड हैगा एल्यूड, एल्यूड का मतलब है एस्केप, बच निकलना, एल्यूड एस्केप, याद रखियो एल्यूड एस्केप मीनिंग की है बच के निकल जाना, बचना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने को आगे देखो जी मिनांस, मिनांस का मतलब होता है जी थ्रेट, धमकी, मिनांस का मतलब की है थ्रेट है, जब भी तुम थ्रेट वर्ड यूज करना चाहते हो तो उदो थ्रेट की बजाय जो है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव अपने को की है मिनांस है, तो मिनांस वर्ड यूज करना शुरू कर दो अज तो, मिनांस थोड़े दिमाग बैठ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो मिनांस मतलब थ्रेट है, मिनांस, मिनांस, सांस, हिंदी में सांस, सांस सूख गए, ठीक है, जब धमकी आती है तो सांस हिंदी का वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं याद रखने लिए सांस, मिनांस, सांस, ठीक है, थ्रेट, ओके, थ्रेट का मतलब धमकी होता है, धमकी देना की होता है, इस लास्ट वर्ड ना ई एन जोड़ दो थ्रेटन, जब आप थ्रेट के नाल ई एन जोड़ देंगे लास्ट से तो यह बन जाएगी वर्ड बन जाएगी थ्रेटन, टू थ्रेटन धमकी देना, ओनली थ्रेट का मतलब है धमकी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने को देखो डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब है जी एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन विस्तार नाल व्याख्या करना, बड़े विस्तार गलबात दसना, ठीक है, चलना पवा उस कहने जी डेलीनिएट, डेलीनिएट वर्ड है जी एक्सप्लेन, याद रखियो, ठीक है, सारे ही वर्ड्स बहुत इंपोर्टेंट ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो जेकर आप देखते हैं, ठीक है। सो सारे वर्ड्स नूं याद रखना है, बार बार एक बार नहीं याद होंगे तो वीडियो नूं कई बार तुसीं देख लो, दिमाग च बैठ जाएंगे वर्ड्स, ठीक है। तो प्लीज़ जेकर वीडियो नूं हुण तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। नैक्सट देखो जी अगला वर्ड अपने सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है कंजेक्टिव, कंजेक्टिव यानी कि एक तो बाद एक लगातार, एक तो बाद एक लगातार, जो किसी चीज की गल करते हैं आप उदो आप वर्ड यूज करते हैं सक्सेसिव, ठीक है। जे मान लो एक तो बाद एक हमला हो गया, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर से जिम्मे चलते रहते हैं अपना, ठीक है, मान लो हमने जो है एक अपने जो उधर अटैक किया, थोड़ी देर बाद फिर अटैक किया, थोड़ी देर बाद फिर अटैक किया, यानी कि हो गया है सक्सेसिव जो है अटैक्स हो गए लगातार एक तो बाद एक, इसको सक्सेसिव कहते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ड जो है नवा वर्ड अपने को है कंजेक्टिव, कंजेक्टिव वर्ड जो है इसको याद रखो दिमाग के, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है अपने को रेविज, रेविज का मतलब डेमोलिश, रेविज का मतलब डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब है टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना, तबाह कर देना, जिन्हों कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग वगैरह को बम ना उड़ा देना, कोई इस तरह की नेचुरल कोई कैलेमिटी आ गई, कुदरती आफत आ गई, उस करके तहस नहस होगी, डेमोलिश होगी बिल्डिंग, ठीक है। सो रेविज मतलब डेमोलिश यानी कि टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। इधर भी दो वर्ड अपने को आए से देखो, इधर पहला एबोलिश, एबोलिश ते रिपील, इन्हों का मतलब भी खत्म करना है, पर इन्हों इस जो है किसी बिल्डिंग या उसकी सेंस आम तौर पर यूज नहीं किया जाता, ये यूज किए जाते हैं आम तौर पर कोई नियम है कानून है उसको जो खत्म किया जाता है उदो आप रिपील या एबोलिश वर्ड यूज करते हैं, पर बिल्डिंग वगैरह के संबंध के डेमोलिश वर्ड यूज किया जाता है, डिमोलिश, डिमोलिश, ठीक है जी। नैक्सट देखो जी सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस वर्ड बहुत बार आपने पढ़िया होगा, इसको आप अंधविश्वास कह देंगे, हाँ ठीक है। इंग्लिश से इसका सिमिलर वर्ड होर अपने को है जी इरैशनल, इरैशनल, देखो इस दे विच भी इर लगे आई आर जोड़ता, असल शब्द की है रैशनल है, रैशनल, रैशनल का मतलब तार्किक, जिस दे विच कोई तर्क होवे, लॉजिक होवे, लॉजिकल, ठीक है, रैशनल का मतलब लॉजिकल, ते इसका उलट की हो गया इर लगाता के इरैशनल, यानी कि बिना लॉजिक तो, ठीक है, लॉजिक तो बिना, इरैशनल गैर तार्किक अतार्किक, जिस दे विच कोई लॉजिक ना होवे उसनु कहंदे जी इरैशनल, इसका मतलब तो अंधविश्वास है,
ठीक है, बिना लॉजिक तो कोई गल नहीं, बात नहीं, एवं विश्वास कर लेना, ठीक है। उदो ही आप कहते सुपरस्टिशियस है ही बंदा, ठीक है, सुपरस्टिशियस है, ठीक है। सो इरेशनल, अंधविश्वासी। नेक्स्ट वर्ड अपने को लगा मेंटर, एम ई एन टी ओ आर, मेंटर। मेंटर का मतलब होता है जी गाइड, मेंटर का मतलब क्या है, गाइड। अजकल पंजाब डिपार्टमेंट ने जो है हरेक जो है ब्लॉक लैवल से डिस्ट्रिक्ट लैवल से मेंटर लगाए हुए हैं, ताकि एजुकेशन का जो पद्धर है उसको उच्चा चुकया जा सके, मॉनिटरिंग वधिया तरीके नाल की जा सके। इसलिए जो है ब्लॉक लैवल से डिस्ट्रिक्ट लैवल से मेंटर लगे हुए हैं, ठीक है। ब्लॉक लैवल से आपां उन्होंने बी एम कहते हैं, बी एम ब्लॉक मेंटर। डिस्ट्रिक्ट लैवल से जो लगे हुए उन्होंने डी एम कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेंटर, ठीक है। सो मेंटर का मतलब भी होंगे जी गाइड, ठीक है, याद रखियो। गाइड का मतलब भी होंगे मार्गदर्शन करने वाला, यानी कि मार्गदर्शक जो आप मार्ग दिखाता है, रस्ता दिखाता है, उसको आप कहने जी मेंटर। नेक्स्ट वर्ड अपने पता जी गार्निश, गार्निश। गार्निश का मतलब है अडोर्न, तो अडोर्न का मतलब होंगे जी टू डेकोरेट, सजाना किसी चीज़ को, सजावट करना। ये वर्ड सुनया होगा सारे ने, गार्निशिंग। आम तौर पर जी जो आप किसी रेसिपी देख रहे हैं किसी चैनल के उपर, ठीक है, वो तैयार करके कोई भी डिश है लास्ट के गार्निशिंग करते हैं, गार्निशिंग, जिमें धनिया वगैरह हरिया मिर्चा वगैरह लगा के इस तरह उसको गार्निश करते हैं। गार्निशिंग का मतलब क्या, सजावट है। सो इसलिए गार्निश लिए आप नवा शब्द यूज करा अज तो, अडोर्न, ए डी ओ आर एन। अडोर्न का मतलब की होंगे जी, सजावट करना होंगे है, डेकोरेट करना होंगे है, ठीक है जी। नैक्सट देखो जी इनफ्रैक्चुअस, इनफ्रैक्चुअस का मतलब जी फ्रूटलैस, जिसका कोई फल ना हो, निष्फल, ठीक है, यानी कि असफल, ठीक है, सफलता प्राप्त ना होना, फ्रूटलैस कोई काम हो गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलिया, बेसिट्टा, जिसका कोई सिट्टा ना हो, बेसिट्टा, फ्रूटलैस। फ्रूटलैस लिए आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं इनफ्रक्चुअस, याद रखियो जी फ्रूटलैस नहीं कहना, उस तो बाद आप कहेंगे इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस गल होगी जी ये, ठीक है। जिमें किसान का धरना हूं तक चली जाता है, अजे तक की यह इनफ्रक्चुअस है, इनफ्रक्चुअस है, फ्रूटलैस है, इस टाइम तक कुछ भी नहीं होया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड देखो ग्रफ, ग्रफ का मतलब है रफ, ठीक है, रफ का मीनिंग आप सारे जानते हैं, ठीक है, खुरदरा भी हो सकता है, पर इतने मीनिंग इसका आप जो है कर्कश आवाज, ठीक है, जो आवाज चंगी ना लगती है आप इस तरह की आवाज, ठीक है, उसको ग्रफ कह दिया, ग्रफ यानी कि रफ, ठीक है, जो वधिया ना हो, दैट इज रफ, ग्रफ रफ, सिंपल है, ठीक है, रिदमिकल है दोनों ही, ग्रफ रफ, ग्रफ रफ, याद रखियो ग्रफ रफ है, ठीक है। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मीनिंग होता है जी लॉयल्टी, फिडेलिटी, याद रखो, फाइडेलिटी नहीं बोला इसका, फिडेलिटी बोला नहीं, फिडेलिटी, ठीक है। फ एफ, फ लिप्स नु टच नहीं करेंगे आपस दे विच, इस तरह बोलेगा फ, फिडेलिटी, फिडेलिटी, क्योंकि इंग्लिश का जो एफ है उस दे विच लिप्स आपस विच टच नहीं होंगे, पंजाबी का जो फफे है उन्होंने बोलते समय लिप्स टच होंगे ने, पर फफे पैर बिंदी नू बोलते समय जो है लिप्स अपने टच नहीं होंगे, यानी कि फफे पैर बिंदी ते इंग्लिश का एफ दोनों की सेम साउंड होंगी है जी, ठीक है। फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब लॉयल्टी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, फिडेलिटी लॉयल्टी, ठीक है, वफादारी। नैक्सट वर्ड अपने को है जी डॉल्फल, डॉल्फल का मतलब मोर्नफल, मोर्न वर्ड है देखो जी एम ओ यू आर एन, मोर्न, मोर नंबर सोग व्यक्त करना होंगे, सोग, दुख, गम, ठीक है, कोई परमात्मा ना करे कि डेथ हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, आप उसे जाके गए सोग व्यक्त करने तो मोर्न है वो, मोर्न, ठीक है। मोर्निंग, एक मोर्निंग आपको पता सवेर उसकी स्पेलिंग यू नहीं होंगे पर, ठीक है, पर इसकी स्पेलिंग यू है, मोर्न, एम ओ आर एन, मोर्न का मतलब सुबह होंगे है, पर एम ओ यू आर एन, मोर्न का मतलब की होंगे जी सोग, मोर्नफुल, यानी कि सोगमई, सोग नाल भरिया होया, मोर्नफुल, सोगमई। इतने ये भी गल मैं दस दिना, एक हमेशा ध्यान रखियो, जो आप लिखते हैं फुल, इकला फुल लिखते हैं एफ यू एल एल, उस यानी कि दो बार एल होंगे, पर जो एफ यू एल एल जो आप किसी वर्ड के एंड से जोड़ते हैं, यानी कि एज ए सफिक्स उस यूज करते हैं, फिर एक एल खत्म हो जाता है, फिर एक एल खत्म हो जाता है, जो फुल से आप रुक जाना है, ये ध्यान रखो, फुल से रुकना हो, जिमें उरे रुकते आप फुल से, जिस तरह कोई ब्यूटीफुल उससे रुक गए आप, पर जे अगे होर भी एल वाई उस जोड़ दिता, ठीक है, फिर अपने आप ही डबल हो जाएगा, दो हो जाएंगे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ठीक है, एल एल वाई हो गया फिर, पर यह ध्यान रखो भी जो एल से रुकना है, फुल से रुक गए आप, ठीक है, उत्थे सिंगल एल रहेगा, तो इसको बोलेंगे फल, फुल नहीं बोलेंगे, फल बोलेंगे, फल, ठीक है। एक मोर्नफल, मोर्नफल यानी कि सोगमई, इस आर ही साइलेंट है,
मोर्नफुल, मोर्नफुल मतलब सोगमई। इस वीडियो का लास्ट वर्ड अपने को है फेटल, फेटल का मतलब है डेडली, प्राण घातक, जो मतलब प्राण भी ले सकता हो, ठीक है, खतरनाक, जो मौत के घाट उतार सकता हो, इतना खतरनाक कोई चीज हो, उसको आप कहते हैं फेटल, फेटल डेडली, यानी फेटल डिजीजेज भी होते हैं, ठीक है, जो जान ले लेंदी है बीमारियां, उन्होंने फेटल डिजीजेज कहते हैं। सो फेटल का मतलब होता है डेडली, ठीक है। ये लगभग आपने 40 वर्ड्स जो है इस वीडियो के डिस्कस किए हैं, उम्मीद करना वीडियो बढ़िया लगी होगी सारे, तो प्लीज़ जो है वीडियो जो है लाइक करना, शेयर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक बार मैं फिर दस रहा, ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाली वीडियोज़ ने, ये हरेक एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीपी प्लस बी का एग्जाम है, चाहे पीपीएससी को एग्जाम ले रही है, जेकर उस एग्जाम के इंग्लिश का पोर्शन है तो इंग्लिश के जो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो है आते ही आते हैं। सो प्लीज़ वीडियो में लाइक करना, वो तो शेयर करना, ताकि हरेक विद्यार्थी का जो फायदा हो सके। सो हम मैं इजाजत, आप नैक्सट वीडियो मिलते हैं, इसे सीरीज़ में कंटिन्यू करा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।